कोला उपर दिन हुई है सानू प्रदर्शन पर बैठे दे, मगर अफसोस जेड़ा मौजूदा प्रशासन है जिसी एल जी प्रशासन आख्या गया जो पर बड़ी हारी उम्मीद खासकर एल जी मनोज सिन्हा पर जिन्हें विकास पुरुष के नाम कन्नै जाना गया कि वह लोग इस जे एंड के का विकास करनगे। मिगी समझ नहीं आई अगर ये 60,000 मुलाजम जेड़ा अपनी सेवा लगातार इस डिपार्टमेंट की दिया दा है यदा विकास नहीं जिस पुरुष ने किया तो जे एंड के स्टेट का विकास कदू कर लैणगे। अस भी उस उम्मीद से है अगर जे एंड के स्टेट का विकास होग और कन्नै साडा भी होग साडे बच्चे का भी होग। अगर सानू रेगुलराइज किया जाता तो टाइम दे अस अपने बच्चे एजुकेशन देंदे, कल साडे बच्चे भी कोई अच्छे जॉब से जंदे तो वह भी विकास के भागीदार बनते। मगर अफसोस इन्हें शायद प्रण किए 61,000 मुलाजम का जोड़ा बच्चा है वह अनपढ़ रो क्रिमिनल बने तो वह चोर चरक्के शामिल हो गए, मगर असें प्रण किए एक जुल्म अस अपने बच्चे बनी लगे होन देन साढ़े कन्नै होई गया। असें गुलामी लगातार 30 साल की सहन कर ली, मगर हूँ लगातार 600 दिन असें प्रण लेइए बैठे रहे कि पालसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये संघर्ष साडा जारी रहोग। एक उम्मीद के लिए अस बैठे रहे कि प्रधानमंत्री जी का हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि उम्मीदों पे ही दुनिया कायम है कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम एमएम स्टेडियम में होगा एक आस और उम्मीद डेली वेजर ने लगा के रखी है शायद हमारे हित में कोई फैसला लिया जाए। अगर फैसला आता है तो हम लोग उसका वेलकम करेंगे। अगर हमारे साथ एक बार फिर छल कपट धोखा होता है तो 4 मार्च को उसका जवाब होगा, शरेआम होगा, सड़कों में जनसैलाब होगा। जे 20-22 हज़ार मुलाजम पीएचई का डेली वेजर सड़कों में उतरेगा और अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, ना खोने के लिए ना देने के लिए। यही 4 मार्च तक हमें अपना पुरजोर जोर लगा के अपने हक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना है।